Hey guys, welcome or welcome back to my channel, you all. I really hope you guys are fine and doing good. So on this particular day, I haven't recorded anything from the morning because I wasn't feeling it and I wasn't planning on to record anything. And I wasn't even in a good mood. But in the evening, I saw a comment from one of you guys and that made my day. And then I thought of recording the video. And I really wanted to thank you guys for 1000 subscribers. I know I haven't thanked you when it happened because I was too caught up in other things. But I really appreciate you guys watching all my videos, liking my videos and commenting such sweet words. That really makes me happy. So let's come back to the video now. So now I'm going to do SHM. So SHM chapter is in classes. And the fact that I haven't studied SHM chapter at all, I don't know anything about this. So this is the first time when I'm studying this chapter. So mujhe classes mein bahut zyada kuch samajh mein aaya nahi tha, but still I was like, yeah, I'll revise and practice questions so that I can understand everything. So main bhi yahan pe wahi kar rahi hu, module se jo module ki theory hoti hai aur jo class ke notes se wo sabhi revise karne ki koshish kar rahi hu yahan pe. वापिस आ चुके हूँ और अभी मेरा ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के पीती हूँ, उसके बाद वापस पढ़ना स्टार्ट करती हूँ. तो अभी ना SHM ही कंटिन्यू कर रही हूँ. मैं SHM में पहली बार पढ़ रही हूँ तो इसलिए ना मैं उसके मॉड्यूल से पूरी थियोरी रीड कर रही हूँ और जो एग्जाम्पल्स वगैरह वो सारी चीज़ें कर रही हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए. तो हाँ, अभी कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ फिर पढ़ना कंटिन्यू करते हैं. तो अभी मैं कर रही हूँ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं ना मॉड्यूल के बीच में, लाइक जो मेन एक्सरसाइज सेक्शन ABC वो तो है ही, उसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने वो प्रैक्टिस करके देखे हैं कि हो पा रहे हैं कि नहीं. एज ऑल ऑफ यू गाइज नो दैट नीट 2024 सिलेबस हैव बीन चेंज्ड, सो देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर एडेड इन द न्यू सिलेबस विच आर नॉट प्रेजेंट इवन इन योर NCERTs. So Oswald book came up with this book which contains all the additional topics in this NEET syllabus. For example, in physics there are some experimental skills which got added, and it also contains question based upon those topics. As you know, these are new topics, so there might not be any questions available in the market, so you can practice those questions from this book. It contains all the three subjects, physics, chemistry and biology. For example, in biology there are additional families in morphology chapter, so all those things are available in this book. I will provide link of this book in the description so you can check it out in case you want to purchase it. तो अभी बज रहे हैं 10:15 और अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर क्लासेस के लिए निकलती हूँ. तो आज मैं सुबह बहुत लेट उठी थी, लाइक 8:30 के अराउंड उठी थी क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोई थी, इसलिए मम्मी ने मेरे को फिर सुबह जल्दी उठाया नहीं. तो मैंने उठने के बाद जस्ट वीडियो एडिट करी है और अभी मैं उसको अपलोड पे लगा रखा है. एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट करके फिर कोचिंग के लिए जा रही हूँ, तो फिर आकर के ही वापस से पढ़ाई करूंगी. सो नाउ आई एम बैक फ्रॉम कोचिंग एंड कोचिंग से आने के बाद मैंने लंच करा एंड देन आई हैवंट स्लेप्ट, आई जस्ट रेस्टेड फॉर सम टाइम. एंड अभी मैं निकल रही हूँ लाइब्रेरी के लिए. तो अभी लाइब्रेरी में जाते ही सबसे पहले मैंने बनाई टू डू लिस्ट, को सुबह से नहीं बनाई थी. एंड अभी मैं सबसे पहले करने लग रही हूँ ओसिलेशन के क्वेश्चंस, तो ओसिलेशन का सेक्शन ए में स्टार्ट कर रही हूँ. तो अभी जो भी चीज़ें हो चुकी उसको टू डू लिस्ट में से कट कर देते हैं. एंड अभी मैं करने लग रही हूँ कॉकरोच का रिविजन. तो आज जूलॉजी की क्लास थी, दोनों क्लास जूलॉजी की थी एंड एक में तो मैम ने एनिमल किंगडम ख़त्म कराया, दूसरे में कॉकरोच पढ़ाया. तो वो क्रोच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, जस्ट थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है तो मैं वो रिवाइज़ करने लग रही हूँ. तो ये नोट्स जो हैं वो लास्ट ईयर के नोट्स हैं तो मैं इन्हीं से रिवाइज कर रही हूँ और ऑब्वियसली NCERT से रिवाइज कर रही हूँ. तो अब ये हो गया, इसको भी टू डू लिस्ट में से कट कर देते हैं. तो अभी मैं करने लग रही हूँ न्यूरल वाला चैप्टर रिवाइज.
तो इस चैप्टर को रिवाइज करे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए इस चैप्टर को रिवाइज करने में मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ वो CNS और मेन मेन जो पार्ट था वही रिवाइज़ किया है। वो जो सेंसरी ऑर्गन्स वाला पार्ट था, आई और ईयर वाला, वो नीट के सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए मैंने वो रिवाइज नहीं किया है। और अभी मैंने ये रिवाइज कर लिया, तो इसको भी कट कर देते हैं। अभी मैं करने लग रही हूँ एनाटॉमी का रिवीजन। तो इसका रिवीजन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही किया था, कुछ टाइम से मेरा मतलब है 10 दिन पहले ही, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। तो मैं एक बार और वापस इसको रिवाइज कर लेती हूँ, बिकॉज ये मेरे को हमेशा मैं भूलती ही रहती हूँ उसमें चीज़ें कि डाइकोट स्टेम में क्या था, डाइकोट रूट में क्या था। सो इट्स अ कन्फ्यूजिंग थिंग फॉर मी। अब मैं करने लग रही हूँ NLM की लीप। तो NLM की लीप ये डेली तुमको मेरे टूडलिस्ट में देखने को मिलेगा, बिकॉज मैं डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इसके कर रही हूँ, एक बार में नहीं हो पाता है। और अगर मैं लेकर के भी बैठूंगी एक बार में तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा फिर। तो इसलिए मैं इसे थोड़े थोड़े 10-20-30 क्वेश्चन ऐसे हर दिन करते रहती हूँ, क्योंकि इसकी जो ड्यू डेट है वो है ये वाला सैटरडे। इस सैटरडे को इसकी डाउट क्लास है, तो तब तक ख़त्म करना रहेगा। तो तब तक तो होपफुली आई विल कंप्लीट इट। So right now it is 11:30 and I'm back from library and these are the tasks which are left. Oscillation के short notes, oscillation का section भी and animal kingdom का revision रहता है। तो animal kingdom का revision तो मैं postpone कर रही हूँ, कल या फिर बाद में करेंगे। And अभी मैं सोच रही हूँ कि oscillation का section भी कर लेती हूँ, क्योंकि short notes बनाने से पहले मुझे थोड़ी और ज़्यादा clarity चाहिए, तो question practice करने से obviously clarity आएगी। तो उसके बाद फिर मैं short notes बना लूँगी कल या परसों में। तो अभी मैं ऑसिलेशन के सेक्शन बी के क्वेश्चंस करती हूँ। 40 के अराउंड क्वेश्चंस हैं एंड आज मैं दिन में भी नहीं सोई थी, तो मेरे को थोड़ी नींद आ रही है अभी, पर मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चंस पूरे ख़त्म करके ही सोऊं। एटलीस्ट स्टार्ट तो करते, देखते ख़त्म होते कि नहीं। तो अभी चलो करते हैं ऑसिलेशन के क्वेश्चंस। मैंने 27 के अराउंड क्वेश्चन फिनिश कर दिए हैं, इससे आगे मैं नहीं कर रही हैं। तो इसमें 40 के अराउंड क्वेश्चन, बट अब मुझे बहुत नींद आ रही है, वो टाइम भी ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू विद अ न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन गुड बाय।